अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। धान खरीद के लिए आज सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनाउंस किया। इसको लेकर के आइए जानते हैं किसानों और किसान नेताओं के विचार। समर्थन मूल्य पर आपके क्या विचार हैं? समर्थन मूल्य पर ये विचार है मेरा, जो जुताई होती है, बवाई होती है, खाद बीजा होता है, उसका लगाइत भी नहीं किसान का मिल रहा। अगर उसकी लगाइत मिल जाए तो किसान का कुछ राहत मिले। समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी जो की गई है उसका आधा वो किसान की लागत का आधा भी नहीं, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं जानता हूँ उसमें कितनी मजदूरी लगती है, कितना उर्वरक लगता है, कितना बीज पड़ता है। समर्थन मूल्य का सबसे बड़ा हमारे पूर्ण भारत का जो आज प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए क्या क्या कहा उस टाइम पर चुनाव के पहले, इसके बाद जो है 4 साल हो गए किसानों की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, न किसानों की किसी प्रकार की कोई मदद, केवल दबंगों के 50-20 के इधर उधर हेरा फेरी करने वालों की मदद की जा रही है, व्यापारियों तक की मदद की जा रही है, लेकिन किसानों की आज तक किसी प्रकार की भाजपा सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं हुई। 3000 से क्विंटल किसी प्रकार लागत किसान का कम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हमारे किसान का श्रम जुड़ा हुआ है। अगर श्रम हटा दिया जाएगा तो बताइए 1 साल तक जो किसान मैं परिवार के पूरा बाल बच्चों के सहित अपना मेहनत कर रहा है तो उसका श्रम नहीं जुड़ेगा। तो उसका श्रम न जोड़ करके केवल पैसे की लागत जोड़ी जा रही है तब 1630 रुपया बनता है, और इसके बाद अगर उसका श्रम अगर नहीं जुड़ेगा तो बताइए उसको बचेगा क्या। कम से कम श्रम बच जाएगा तो अपने बाल बच्चे पाल लेगा, और आए दिन जो किसान आत्महत्या कर रहा है वो आत्महत्याएं बंद हो जाएंगी। और जब तक किसानों की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक यही हालत रहेगी। आज मजदूरों से बदतर हालत किसान की है, और इसमें केवल झिनोड़ा पीट रही है सरकार और किसानों को केवल वोट लेने के लिए ये झिनोड़ा पीट रही है, अब बेवकूफ बना रही है, कुछ नहीं है इसमें, केवल नाटक किया जा रहा है। अगर इन्हें करना है तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें, बस उसी किसान का भला।